2500 के आसपास डिमांड रिपीट की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत में रैना सिंह और हमारे साथ भोजपुर के एसपी विनय तिवारी सर हैं। जिस तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए ये सारी कुछ जो है ये ग्राउंड पे उतर के कर रहे हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो आज पहुंच रहे हैं आरा के जगदीशपुर के दुलौर मैदान में। सर किस तरीके से मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग की जा रही है? हम लोगों का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की व्यवस्था आज की गई है, वही उसी हम लोग हैं यहाँ पर। और जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है गाइडलाइंस है 2500 के ऊपर की फोर्स हम लोगों ने लगाई है, तो सब डिप्लॉयमेंट किया, उस डिप्लॉयमेंट को चेक करने हम लोग निकले हुए हैं। सर कहाँ कहाँ मॉनिटरिंग के जो तैनात किए गए हैं जवान, किस तरीके से तैनात किए गए हैं, क्या कुछ पूरा ट्रैफिक का एलैबोरेट अरेंजमेंट है, फ्रिस्किंग का एलैबोरेट अरेंजमेंट है, वही सब हम लोगों ने किया हुआ है। जी सर, देखिए किस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। लगातार ये टेलीफोनिक भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं और जिस तरीके से कई सारे जवान जो है तैनात किए गए हैं जगदीशपुर में दुलौर में, उस एसपी साहब खुद जो है वो ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और ग्राउंड पे उतर के सारी चीज सारी व्यवस्था जो है सुरक्षा व्यवस्था है वो देखी जा रही है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से भोजपुर एसपी विनय तिवारी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने जवानों के साथ जिस तरीके से अधिकारियों के साथ पदाधिकारियों के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस स्थल पे जो गृह मंत्री जो हैं वो पहुँच रहे हैं भारत देश के, तो यहाँ पे सारा कमान जो है भोजपुर एसपी जो हैं वो अपने तरीके से संभाले हुए हैं, लगातार जवानों के साथ कुंज किए हुए हैं और कई सारे जवान जो हैं आपको दिखेंगे, कई सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। जवान जो है वो गाड़ी भी रोक रहे हैं कि गाड़ी जो है वो जहां लगी रहती है वहीं पे लगेगी, यहां पे नहीं लगेगी। कई सारे के राम कृपाल यादव जो हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, अभी जस्ट सांसद हैं भाजपा से और यहां पे पहुंचे हुए हैं। 2500 के आसपास डिमांड रिपीट की गई, 2500 और लगातार पुलिस की गाड़ियाँ जो है काफिला जो है वो लगातार यहाँ पे कुंज कर रहा है और लगातार जो है सुरक्षा जो है वो दी जा रही है यहाँ पे कि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो। अमित शाह जो कि गृह मंत्री आ रहे हैं और एक्सक्लूसिव आशा एक भारत पे विनय तिवारी जो कि भोजपुर के एसपी साहब हैं, भोजपुर के कप्तान हैं, वो एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल रखी है वो आपने सुना। विजय उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है बाहुवीर कुंवर सिंह का, बाहुवीर कुंवर सिंह जो कि 1857 के क्रांतिकारी योद्धा थे और कई बार अंग्रेजों को खदेड़ा उन्होंने, बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश तक अंग्रेजों को खदेड़ के उन्होंने भगाया था। उनकी विजय उत्सव जो है उनके विजय उत्सव में आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और सारा जो कमान जो है सुरक्षा को लेके आरा के भोजपुर एसपी ने भी संभाल के रखा है। और भोजपुर एसपी जिस तरीके से खुद मोटरसाइकिल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निकल के खुद मोटरसाइकिल से जवानों के साथ रोड पे निकल गए हैं और एसी का जिस तरीके से कहा जाता है कि एसपी डीएम साहब लोग जो है वो फोर व्हीलर में ज़्यादा कुंज करते हैं, ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन ये एसपी साहब जो हैं वो टू व्हीलर से निकले हुए हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद लोगों से बात कर रहे हैं, खुद लगातार फ़ोन पे जो है वो लगातार मॉनिटरिंग और जवानों से बात करके किस तरीके से विधि व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो आशा एक भारत पर आप देख रहे थे ये खबर, एसपी महोदय आपके सामने थे। खबर में इतना ही, मैं रैना सिंह, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है इसके लिए सब शुक्रिया धन्यवाद। अमन कुमार और पीयूष सिंह के साथ जगदीशपुर से मैं रैना सिंह, धन्यवाद, जय हिंद जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।